किशनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाटखेड़ी में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई है। यहां शराब दुकान के पास अहाते पर काम करने वाले एक युवक को उसके ही रिश्तेदार ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे शहर के सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर इंदौर रेफर किया है। मंगलवार दोपहर किशनगंज थाना क्षेत्र में आने वाले भाटखेड़ी में शराब की दुकान के पास अहाते पर काम करने वाले लल्ला पवार उम्र 25 साल निवासी खरगोन को उसके ही रिश्तेदार ने पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान लल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे शहर के सिविल अस्पताल लाया गया। घायल लल्ला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके ही दोस्त आकाश जाधव ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों का पुराना विवाद है और मंगलवार को आकाश ने मिलने के बहाने लल्ला को अहाते से बाहर बुलवाया था। आरोपी आकाश हरदा का रहने वाला है, जो घटना करने के बाद वहां से फरार हो गया। फिलहाल घायल युवक लल्ला को इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं किशनगंज पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आपका कोई विवाद में ही है, मेरे रिश्तेदार की तरफ मिलने आया था, बाद बाद में चाकू ऐसे ही मार रहा था, तो मेरे सामने चाकू बचा। कहाँ की घटना है ये? भाटखेड़ी रोड। वो आपका रिश्तेदार ही है क्या जिसने मारा? हाँ। कोई आपसी रंजिश है क्या पुरानी आपकी? नहीं, मतलब मजाक में मार दिया था। हाँ, मतलब मैं उसको समझा रहा था कि क्या करना चाहिए कैसे। तुम्हारा नाम बता दो। मेरा नाम लल्ला पवार है भाई। जो केस आया था अभी चाकूबाजी, ये जो केस आया है ये भाटखेड़ी की तरफ से आया है। वहाँ पर कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हुए थे। लल्ला पवार करके एक व्यक्ति है, वो भाटखेड़ी से आया था और उसके पैर में चाकू लगा है, मारा गया है। थोड़ा डीप भी है, उसको रिपेयर तो कर दिया गया है और उसको एक्सरे के लिए और एक्सपर्ट एडवाइस के लिए एफ आई आर दिया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और स्टेबल है। आपका नाम बता दीजिए सर। मैं डॉक्टर संजय जैन, मेडिकल ऑफिसर सी एच महू से अंजीत मोनू बाथम की रिपोर्ट।